Vande Mataram. Vande Mataram. Sujala Sufala Malayaj Sheetala Shashya Shyamala Mataram. आज से हम लोग एक नए लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का हिंदी मतलब बल होता है और प्रेशर का हिंदी मतलब दाब भी होता है, वैसे ज़्यादा दबाव में नहीं रहना। ओके तो सबसे पहला बात यह है कि फोर्स कब लगता है और क्यों लगता है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग उसका आंसर फाइंड करते हैं कि फोर्स जो है जब कभी भी किसी चीज़ पर पुश या पुल किया जाता है तब उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है। एक्चुअल में फोर्स का डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही है कि फोर्स इज़ डिफाइंड एज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जब पुश या पुल किया जा रहा हो तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना होता। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना होता। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि एथलीट जो है वो एक बॉल को लेकर दूर फेंक रहा है, तो ऐसे में एथलीट क्या कर रहा है, एक पुशिंग फोर्स लगा रहा है बॉल पर ताकि वो दूर बॉल को फेंक सके। ऐसे ही जब हम लोग डोर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ उसे पुश करते हैं तो डोर होता है ओपन, यानी यहाँ पर हम लोग एक तरह से पुश कर रहे हैं डोर को ताकि वो ओपन हो सके। यानी हम लोग हमारा हैंड और डोर का जो हैंडल है इसके बीच जो है एक फोर्स लगा जिस कारण से डोर ओपन हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग पुलिंग के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कोई पर्सन जो कुएं से पानी खींच रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, पुलिंग कर रहा है ताकि वो बाल्टी से पानी को बाहर ला सके, कुएं से पानी को बाहर ला सके। ऐसे ही जब हम लोग डोर को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो जब डोर को क्लोज कर रहे होते उस समय क्या कर रहे होते, तो अपनी तरफ खींच रहे होते, यानी कि पुल कर रहे होते जिससे कि वो क्लोज हो सके। यानी कि डोर को बंद करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तो उसे यहाँ पर पुल कर रहे होते हैं। अब है कि पहले वाले क्वेश्चन के बाद हम लोग अनदर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फोर्स क्यों लगता है, क्या कॉज है फोर्स के लगने का। तो इसका वैसे वन वर्ड में आंसर आप दे सकते हैं, इंटरेक्शन कॉज ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के पीछे का कारण है इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का अगर मीनिंग देखें तो जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आप वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, यानी कि मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ। तो वैसे फिजिक्स में इंटरेक्शन का मतलब होता है कि इफ़ेक्ट जब कोई एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर देता हो तो वही इंटरेक्शन कहलाता है। जबकि यहाँ अगर हम लोग बात करें कि इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कॉल रिजल्ट फोर्स, यानी किसी भी स्थिति में फोर्स होने के लिए, फोर्स लगने के लिए ये ज़रूरी है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगना चाहिए, क्या एक तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि अगर इसमें बात करें कि अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब कि फोर्स भी अप्लाई नहीं होगा। जैसे इस पिक्चर में देखते हैं कि टू बॉयज़ इंटरेक्टिंग एंड अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर बाय पुशिंग ईच अदर। अगर बात करें कि ये दोनों जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, दोनों लड़का एक दूसरे को क्या कर रहा है, पुश कर रहा, धक्का दे रहा, और इस तरह से ये एक दोनों एक दूसरे पर फोर्स भी सेम टाइम में अप्लाई कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जो एक पुलिंग फोर्स का यानी पुल करने का एक एग्जांपल है कि काउ जो पर्सन है उसको अपनी तरफ खींच रहा है और पर्सन जो वो काउ को अपनी तरफ खींच रहा है, देखते कौन किसको खींच पाए। फिलहाल इसमें भी यहाँ पर एक पुलिंग जो है सो किया जा रहा है एक दूसरे की तरफ, यानी कि ये काउ अपनी तरफ और पर्सन अपनी तरफ जो है वो पुल कर रहा है। फोर्स जो होता है इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अगर आप बात करें कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, तो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पर फोर्स कितना ज़्यादा या कम लग रहा है यही इसका मैग्नीट्यूड है। वैसे मैग्नीट्यूड को हम लोग किसी भी क्वांटिटी का साइज भी कहते हैं। अच्छा डायरेक्शन की अगर बात करें तो फिजिक्स में जितने सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्शन में जब व्यक्त करते हैं या प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर फोर्स को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायरेक्शन का भी हेल्प लेंगे। जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स जो आपने देखा कि अपनी तरफ या अपने से दूर जब हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी अपनी तरफ जब लगा रहे हैं तो यानी पुल कर रहे हैं, अपने से दूर जब कोई चीज़ कर रहे हैं यानी कि पुश कर रहे होते हैं, यानी फोर्स जो अप्लाई होने के लिए
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, उसे वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। और जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें स्केलर बोलते हैं। यानी अ क्वांटिटी विच एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन इट्स डायरेक्शन, इट इज़ टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। मीनवाइल इट मीन्स अ क्वांटिटी विच is expressed as only in its magnitude, not direction, that is called scalar quantity. जैसे time जो है scalar quantity है और velocity, force ये vector quantity का example है। गया अब अगर SI unit के बाद अगर हम लोग बात करें तो छोटे जो quantity को measure करने के लिए जो system बना हुआ है उसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। वैसे SI का मैं पूरा नाम बता दूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी होता है SI का, और CGS का सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड होता है। जैसे एग्जांपल्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे CGS यूनिट जो है या CGS सिस्टम जो है वो छोटे क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हुआ करता है। जैसे कि अब लेंथ को मेजर किया जाता है CGS में सेंटीमीटर में, वहीं दूसरी तरफ SI में मेज़र किया जाता है मीटर में। मीटर ऑलमोस्ट क्या है, सेंटीमीटर से बड़ा है, तो बड़े क्वांटिटी को मेजर इन जनरली जो है बाद में बनाया गया SI सिस्टम, पहले CGS हुआ करता था। तो रिलेशन क्या है SI यूनिट फोर्स के SI यूनिट में और फोर्स के CGS यूनिट में। फोर्स का SI यूनिट हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन होता है, और फोर्स का CGS यूनिट जो होता है वो डाइन होता है। एक न्यूटन 10^5 डाइन के बराबर होता है। अब एक न्यूटन फोर्स किसे कहते हैं, अगर 1 kg के किसी ऑब्जेक्ट को 1 m/s के स्पीड से अगर उसको मूव किया जा रहा हो, यानी लगातार 1 m/s उसमें एडिटिव नेचर का होगा, बढ़ता जा रहा होगा, तो ऐसे में ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 N के बराबर होगा। फिर हम लोग बात करें फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स कैसे गेट किया जाता है। सपोज़ कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों एक ही तरफ से लगाए जा रहे हैं, ऐसे में रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट जो फोर्स होगा उस पर उस दोनों फोर्स के सम के बराबर होगा। यानी इस केस में दोनों फोर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, जब एक ही ऑब्जेक्ट पर 2 different डायरेक्शन से जब फोर्स लगाए जा रहे होंगे तो ऐसे में टोटल जो नेट फोर्स होता है वो जो बिगर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स होगा उसमें से स्मॉलर मैग्नीट्यूड के फोर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें रिजल्टेंट फोर्स गेट हो जाएगा। वैसे यूँ कहें तो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी डिफरेंस ऑफ द 2 forces, यानी दोनों फोर्सेज का डिफरेंस जो होता है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। जैसे कि अगर बी, मान लेते हैं कि 2 फोर्स लग रहा है ए और बी, और बी का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है ऐसे में हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बी माइनस ए करेंगे, जबकि अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इस केस में हम लोग ए माइनस बी जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा, यानी टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ये होगा। अगर दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो अगर इक्वल अमाउंट में हो, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों तरफ से लगने वाले बराबर हो, ऐसे में नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। जैसे कि टग वार, यानी कि दोनों तरफ से रस्सी जो खींचा जाता है, अगर सपोज किए कि नंबर ऑफ पर्सन भी दोनों तरफ से बराबर हो और इक्वल फोर्स भी लग रहा हो, ऐसे में एक दूसरे को कोई भी नहीं खींच पाएंगे क्योंकि नेट फोर्स लग रहा होगा वहाँ पर 0 और जो बॉडी होगा वो होगा रेस्ट। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2 N और दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड है 3 N, तो इससे क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन से लगाए जा रहा है, इस तरह से यहाँ पर दोनों फोर्स को हमें ऐड कर लेना होगा, और डायरेक्शन क्या होगा तो आगे की तरफ होगा, यानी कि W2E यानी कि west to east डायरेक्शन में होगा। जैसे इस केस में रिजल्टेंट फोर्स होगा 2+3 यानी कि 5 N और डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट हुआ। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक जो फोर्स लग रहा है, यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, एक 2 N और दूसरे तरफ से 9 N, ऐसे में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड है यानी कि 9 N में से जो आप बोल सकते हैं कि लेस वैल्यू वाले मैग्नीट्यूड जो है यानी 2 N, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो टोटल फोर्स का वैल्यू हमें गेट हो जाएगा।